बोझों का सोने का नहीं था, नकली था। दिली? बुझुम का के छवि के सारे कहने ही नकली है। ये बाबू तो क्या बोल रही है, हैं? ठग लिया हमारे को। ₹5.5 लाख के गहने के बदले तो 3,000 के गहने पकड़ा दिए। सिद्ध जी, देखिए आप परेशान ना हो, आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, यहां तक कि पुलिस स्टेशन तक गए, इसलिए आप अब सबसे पहले हमें ये सोचना है कि भाभू को इस परेशानी से निकाले कैसे। अच्छा आप मुझे जरा ये बताइए कि कुल मिला के वो गहने कितने के होंगे? भाभू ने कुल 5.5 लाख के गहने खरीदे थे। 5.5 लाख? और उनमें से 3 सेट दिलीप जी के माता पिता की तरफ से भी थे। अब मुझे भी समझ आ रहा है कि भाभू की परेशानी की वजह क्या थी। क्यों ऐसे परेशान हो रही है भाभू? सदस्य मैं हूं ना, मैं भाभू से बात करूंगा, मैं पैसों का इंतजाम भी करूंगा। अब मैं अपने पापा को और तकलीफ में नहीं देख सकता, बहुत हो गया। कैसे भी करके मैं पैसों का इंतजाम करूंगा, जो भी हो जाए। रिक्शा, रिक्शा। बैठिए भाई जी, अनुमान करिए। एक चोर ने जब दूसरे चोर की चोरी बताई तब विश्वास न हुआ हमारे को, तो भागकर अपने सुनार के पास गए। तब जाकर असलियत का पता चला। बड़े चाव से चली थी मैं। अब ये सब भूल के ये सोचो कि अब आगे क्या करना है, और ये मत भूलो इसमें से समधी जी के कहने पर 3 सेट उनकी तरफ से भी खरीद लिए थे। अब ये बात उनको पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए अब ये सोचो कि इतनी सारी रकम दोबारा कैसे जोड़नी है। अरे बाबा साहब, पहले मेरी बात सुनो। पहली बात तो 5.5 लाख रुपए थे, वो 5.5 रुपए नहीं कि जेब में हाथ डाला और वापस आ गए। अब क्या करेंगे? कहां से करेंगे मैं पैसा बताओ? अरे वो दुकान है ना मेरी दुकान के बगल वाली जो हम लेने वाले थे, उसका तो कुछ हो नहीं पाया, और यहां 5.5 लाख का नुकसान हो गया है। भाभू अगर विक्रम भैया चाहें तो कुछ कर सकते हैं, इनकी दुकान की ग्राहकी बहुत अच्छी चल रही है आजकल, तो अपनी इकलौती और लाडली बहन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। क्या बोल रहे तू? हाई बड़ी नजर है हमारी दुकान पे आजकल, बड़ी बिक्री होती दिख रही तुझे? फिर भी अगर तुझे अपनी बहन की बड़ी चिंता है ना, तो फिर तू कर देना उसके लिए कुछ। तू दुकान के लिए लोन लेने वाला था ना, अब तू जा और लोन ले, पर बहन के गहनों के लिए, समझा? हमारी दुकान पे ज्यादा नजर मत मार। मेरे बस में होता तो आपको सलाह देने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। है बस में तो कुछ भी नहीं है। मेरी तनख्वाह के हिसाब से मुझे 1 लाख का लोन मिलने वाला था, और बाकी हम भाभो से उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाभो मदद करेगी।
क्या बोल रहा है? हैं? भाभो मदद करेगी? लो भाभो, आपका छोटा बेटा आपसे उम्मीद करे बैठा था कि आप दुकान लोगी। ये आपका बेटा ये। भैया मेरी मंशा क्या है वो? अरे बंद करो, बंद करो ये जानवरों की तरह लड़ना। इस वक्त मिल बैठ के ये सोचो कि इस समस्या से बाहर कैसे निकलना है। बिल भी नहीं है ना, इस मसले का कुछ हल निकलेगा। बाबू बुरा मत मानना, हमारे पास सिर्फ 50,000 रुपए थे जो कि मैंने गहनों के लिए दे दिए। हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। मेरी तो ऐसी हालत ही नहीं है कि मैं कुछ मदद कर सकूं। वो मेरा खुद का ही खर्चा निकल जाए वही बहुत है मेरे लिए। देख छवि, तेरे छवि तू ऐसे मत रो, मारे को बड़ा बुरा लग रहा है, ऐसे मत रो। भाबो आप हुकुम दो, मैं जान दो। मारे पास एक उपाय है। क्यों ना हम वो एफडी तोड़ दे जो जेठ जी ने बनाई थी, उन्हीं पैसों से जो वो विदेश गए थे ना प्रतियोगिता के लिए। अरे इतने पैसे हैं ना, वो इसी दिन के लिए तो जोड़ के रखे थे। बात तो सही कही आपने मीना भाभी, घर में पैसे पड़े हैं और हमें पता तक नहीं। अच्छा वो आपने याद दिला दिया। अब वो देख तेरी परेशानी का कितना बढ़िया रास्ता निकाला है। एक काम करते हैं, सूरज भैया के पास चलते हैं और उनसे एफडी तोड़वाने की बात कर लेते हैं। चल भाभी। ये सही है भाभी। सूरज जी, इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम करने का तो एक ही तरीका समझ में आ रहा है। वो हमने छवि की शादी के लिए जो एफडी बनवाई थी उसे तोड़वा देते हैं। प्रसन्न जी वो तो सूरज जी, मैं जानती हूँ कि वो एफडी हमने छवि की शादी के लिए बनवाई थी, पर हम और जोड़ लेंगे, जितने निकालेंगे उसकी भरपाई के लिए और मेहनत करेंगे। लेकिन किसी भी तरह से छवि की शादी को लेकर देखे गए बाबू के सपनों को फीका नहीं पड़ने देंगे। संध्या जी, मैं जानता हूं संध्या जी कि आप बाबू की परेशानी को लेकर ये एफडी तोड़ाने की बात कर रही हैं, पर बाबू शायद एफडी तोड़वाने की बात पे सहमत ना हो। मुझे लगता है कि हमें एक बार बाबू से मिलकर बात करनी चाहिए, हो सकता है उसके बाद कोई दूसरा रास्ता निकले। हाँ जी, नहीं मैं वो पैसे ना निकालूंगी। नहीं आप वो कैसी बातें कर रही है? वो पैसे हमारी छोरी के ब्याह के लिए रखे हुए हैं। अरे भैया पैसों की जरूरत है बाबू, अभी नहीं तोड़ेगी तो कब तोड़ेगी? छवि की शादी के पैसे हैं ना, उसी की शादी में ही काम आएंगे फिर वो। मैं बताती हूँ जी कि बेचारी बाबू क्यों ना तोड़वा रही वो एफडी। याद को नहीं जेठ जी को घर से बाहर निकाल दिया और सबको कहा था कि कोई इनसे मदद ना लेगा और न कोई उनकी मदद करेगा। यही बात है ना भाबो, कि आप उनसे मदद ना लेना चाहो, है ना भाबो? तू भी ना भाबो, सर पे इतनी बड़ी परेशानी आई हुई है और तू अहंकार को लेके बैठी है अपने।
भाबो अब कोई चारा नहीं बचा, तू चल चल सूरज भैया से बात कर लेते। मोहित सही कह रहे भाबो, अपनी सारी जिद छोड़ दे दो पल के लिए, चल सूरज भैया के पास हर एफडी तुड़वाते थे। ज्यादा मत सोच, ठीक है, तुम दोनों कहते हो तो मैं ये एफडी तुड़वा देती हूँ। ठीक है, एफडी तुड़वा कर छवि के लिए गहने भी खरीद लेती हूँ। हाँ, पर एक बात बताओ हमारे को, दो चार महीने बाद छवि को भी माथे पर पड़े को, वो सारे इंतजाम में कम से कम 7-8 लाख रुपया को तो खर्चा हो गए कोई, वो सारी रकम को इंतजाम तो कर लेगा ना तुम दोनों। अबार तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, के हुए मोहित, मुंडा से आवाज को नहीं निकल रही के? इन नालायकों के पास जवाब होंगे तो देंगे ना। अबार तो अपनी भाभी ने बड़ी बड़ी सलाह दी जा रही थी और अब क्या हो गया, इंतजाम कर लियोगा ना तुम दोनों? बाबू देख, देख मुसीबत में जितनी ज्यादा रो उतने ही पैर पसारने चाहिए इंसान को। इससे क्या होता है कि एक तो ठंडी लगेगी और ऊपर से इज्जत भी ढकी रहेगी। अब जरूरी थोड़ी है कि हर जगह खर्चा करना है, या तो देख जेवर बनवा ले या शादी के लिए बचा ले। और वैसे भी शादी को अभी 2-4 महीने पड़े हैं, तो एक काम करते हैं इसके जेवर बनवा लेते हैं। भी जरूरी थोड़ी है कि ठाट पाट से शादी करें। अब वो ऐसे भी तो लोग होते हैं जिनके घर में खाने को पैसा नहीं होता, तो वो अपने बच्चों की शादी नहीं करते। तो हम भी सिंपल शादी करेंगे, शादी शादी में निपटा देंगे। हाँ? बिल्कुल सही कहा। अब ऐसे भी मैं तो एक बात कहूँ, दिलीप जी और उनके घर वालों को ना ये चोचलीबाजी पसंद ही को नहीं, सच्ची कह रही हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो ये तो लव मैरिज है, इसमें खर्चा कैसा, गहने बनवा दे बस वही बहुत है, क्यों जी? विक्रम, उस घर में सामूहिक विवाह हुए है ना? सामूहिक विवाह में तो ज्यादा खर्चा को नहीं लगे, वो वैसे ये बढ़िया रहेगा, 20-21 हज़ार का ज्यादा से ज्यादा खर्चा होगा, तो हम लोग छवि की शादी सामूहिक विवाह में ही कर देते हैं। आज तो तूने अपनी भाभों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज तो सिर्फ मां के दूध के कर्ज से ही नहीं, तारी इकलौती बहन के हाथ से बंधी हुई राखी के कर्ज से भी आजाद हो गया चोर। इतने बड़े बोझ को
उतारने का कितना आसानी से रास्ता बता दिया ना तूने छोरा। बाप तुम दोनों से यही उम्मीद थी मारे को। धन्य हो गई मारी कोख धारे को जन के। भगवान करे सबने तुम्हारे जैसे भाई मिले और तुम्हारे जैसे बेटे मिले। और जन्म देने वाली मां को तोहफे में हर पल ऐसे ही आंसू मिले। कोई बात को नहीं छुरक, कोई बात को नहीं। औलाद है, सब कुछ सहन करना पड़े। रह छोरी, आंसू बहाने की ज्यादा जरूरत ना है। अभी थारे मां बाप जिंदा है, वो ही ठाट भाट से थारो ब्याह करेंगे। थारे लायक भाइयों ने चिंता करने की जरूरत ना है। विक्रम, मीना, तुम लोगों ने चिंता करने की जरा भी जरूरत ना है। मोहित और इमली, आप लोगों ने भी ना हमारी छोरी की ब्याह की चिंता करने की जरूरत ना है जरा भी। मैंने एक रास्ता निकाल लिया है। लामीना बीनने, मारा गहना दे दे। गहने? लेकिन भाबो, जो गहने आपने मारे को दिए थे वो तो मारे हैं ना? मैं मारे गहने की बात कर रही हूँ। मारा कमरबंद मारे को वापस दे दे। कमरबंद? अभी नहीं, वो तो यही है। ये लो भाबो कमरबंद आपका। कि कमरबंद का की करोगी? जी कमरबंद बेचकर कम से कम समधियों के 3 सेट तो बना ही लूंगी मैं। के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।